यहाँ माथा में रख करके, माथे में सटा करके, हाँ कपड़ा खोलो ना तो मार देंगे। वो मुझे शारीरिक संबंध बनाने के लिए फोर्स करते थे, अगर नहीं बनाते थे तो वो मुझे मारते पीटते थे। पिस्टल, इसका मतलब आपके पति के पास पिस्टल भी है? हाँ है, हथियार भी रखते हैं? हाँ है। कैसे? मुझे नहीं रहना उनके साथ, वो अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। कितने वर्ष के हैं वो? 52 प्लस हुए होंगे। और आपका कितना हो रहा है? 16 हो रहा है। एक तरफ से देखा जाए तो वो हमको बेच ही चुके हैं, मेरे पिताजी भी उन सबके पास। हम नाबालिग हैं और मेरा जोर जबरदस्ती शादी किया गया है, और शादी होने के बाद भी गाली गलौज मारपीट होता था रोज दिन। कौन मारपीट करता था? मेरा हस्बैंड और उसकी बहन सब भी। तो आगे? आगे तो हम पूरा मतलब वहाँ से हम भाग नहीं पा रहे थे, तो इसलिए सोचे कि यहाँ पे आए, कुछ रस्म हो रहा था, होना था तो इसलिए यहाँ पे आए। हम मायके से ही भागे हैं और भागते भागते इतना दूर आ गए, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। कहाँ से आए हैं? यहाँ भागलपुर। किस लिए आए? दीदी के साथ, दीदी के पास। रहा है? क्या कारण रहा है जो भाग रहा है? क्योंकि कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था उधर में। क्या चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले। मुझे नहीं रहना उनके साथ, वो अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। कितने वर्ष के हैं वो? 52 प्लस हुए होंगे। और आपका कितना हो रहा है? 16 हो रहा है। 16 साल आपका हो रहा है, 52 वर्ष आपके पति का हो रहा है। इस कारण से उनसे दूरी बनाना चाहते हैं? वो मुझे शारीरिक संबंध बनाने के लिए फोर्स करते थे, अगर नहीं बनाते थे तो वो मुझे मारते पीटते थे। शादी कब हुई? 28 जुलाई। कितना साल? हाँ कितना दिन होगा शादी का? कितना समय? 15-20 दिन हो रहा होगा। 15-20 दिन मात्र? शादी के तीसरे दिन से ही ये सब स्टार्ट हुआ। 16 वर्ष हो रहा है आपका, और आपके पिताजी आपकी शादी करा दिए। पिताजी का क्या जोर जबरदस्ती था? हाँ, वो सब उधर से ही बोले थे, अगर आपकी बेटी हम सबको दे देते हैं तो आप सब जितना भी लोन है, जितना भी कर्जा है, सब आपका माफ़ हो जाएगा। एक तरफ से देखा जाए तो वो हमको बेच ही चुके हैं, मेरे पिताजी भी उन सबके पास। मेरा ससुराल है हरिपुर दुमका, और मेरा मायके है ताड़िया पत्थरगामा गोड्डा। अभी आप अब क्या करेंगे, आगे कहाँ जाएंगे? वो तो मुझे नहीं पता, बस मुझे पुलिस से कुछ मदद मिल जाए, मैं उनके लिए ही आई हूँ। क्या चाहती हैं पुलिस से? कैसा मदद चाहती हैं? उनके पास मुझे वापस जाना ही नहीं है, अपने घर जाना है वापस। हाँ, घर भी नहीं जाना, वहाँ पे भी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे आप आगे? थोड़ा सा भरोसा है मुझे अपने छोटे भाई पे। तो भाई के साथ रहना पसंद? पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है बस, शायद। बोर्ड एग्ज़ाम इसी बार दिए हैं आप? हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम इसी बार दिए हैं। और मेरे स्कूल से दिए हैं? संत थॉमस स्कूल गोविंदपुर। और मेरा एडमिशन भी हुआ था DAV स्कूल में 11th के लिए, लेकिन वहाँ से भी मेरा नाम कटवा दिया गया। आगे पढ़ाई भी करना चाह रही हैं? हमको करना है, मुझे करना है। मैंने पहले शादी के पहले ही बोला था कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे बाधक बन रहा है। हाँ, शादी के तीसरे दिन ही वो मुझे फोर्स कर रहे थे शारीरिक संबंध बनाने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो उस दिन मुझे उसकी बहन सबसे मारपीट हुआ, मुझे मारा और बेल्ट भी दिखाया और पिस्टल भी दिखाते थे, और जोर जबरदस्ती हर रोज़ होता था मेरे साथ। पिस्टल, इसका मतलब आपके पति के पास पिस्टल भी है? हाँ है, हथियार भी रखते हैं? हाँ है। कैसे प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वो? आपराधिक प्रवृत्ति के हैं क्या? शायद हो सकते हैं, उतना बात नहीं बताते थे हमको, पूछते तो फिर भी नहीं बताते थे, लेकिन पिस्टल रखते थे। हाँ, और धमकी भी देते थे यहाँ माथा में रख करके, माथे में सटा करके। हाँ, कपड़ा खोलो ना तो मार देंगे। और वो मेरे घर कल रात में आई, डरते हुए भागते हुए किसी तरह। वो बोली कि दीदी मेरा शादी हो गया, जबरदस्ती शादी किया गया है, और मेरे साथ खूब ज़्यादा जोर जबरदस्ती किया जाता है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, सारी बात मुझे बताई। तो ये साल हो रहा है इनका 16 साल हो रहा है, और इनके हस्बैंड जो हैं जिनसे शादी हुई है उनका 50 प्लस कुछ हो रहा है, तो जहाँ तक हमको ये जानकारी दी। तो अब ये बोल रही है कि आप हमको मदद कीजिए, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी। इसीलिए हमको मदद करना पड़ा, और आज मैं इसकी मदद कर रही हूँ। बोल रही आगे मैं पढ़ना चाहती हूँ,
और आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। पढ़ाई भी बंद करा दिया। हाँ, पढ़ाई एडमिशन इसका हुआ था, जहाँ तक ये बताई उस वहाँ से उसका नाम कटवा दिया गया। पति पढ़ने नहीं देना चाह रहा है। पति पढ़ने नहीं दिया जा रहा है और वो बोल रहा है कि नहीं अब मत पढ़ो, और पापा शादी से पहले इसको इमोशनल ब्लैकमेल किए कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो हम सुसाइड कर लेंगे, फांसी लगा लेंगे, मर जाएंगे या फिर घर से भाग जाएंगे, ये सब बोलते थे। अभी जो ये अब ये वो लोगों की क्या सोच है ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये तो कह रही है कि मैं पढ़ना चाह रही हूँ लेकिन वो लोग मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं। एज फैक्टर भी बड़ा फैक्टर। हाँ, बहुत ज़्यादा, और नाबालिग भी है अभी तो, इसकी शादी की उम्र भी नहीं है और ये पढ़ना चाहती है, पढ़ने भी नहीं दिया गया, और बोलती है कि ससुराल में इसको बंद करके रखा जाता है कैदी की तरह, बस दो टाइम खाना मिलता है और कोई आज़ादी नहीं है। और इसके साथ अभी क्या करेंगे आप? अब मैं इसको यहाँ सौंप दूंगी महिला थाना में, इसके बाद यहाँ से कुछ किया जाए इसकी मदद। जान से मारने की पिस्टल हथियारों का हाँ क्या है बताइए। पिस्टल दिखाया जाता था इसको कि मतलब तुम मेरे जो हम चाहते वो तुम करो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। एक तरफ जहां बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए सरकार कई योजनाएं बना रही हैं और अरबों रुपये इस पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं मिल रहा। जीता जागता नमूना आपको हर जिले में हर गांव में देखने को मिलेगा। ऐसा ही कुछ मामला भागलपुर में प्रकाश में आया है। गौरतलब है कि लोन चुकाने को बेटी की शादी अधेड़ से कर दी गई। नाबालिग बोली, मुझे पढ़ना है, मुझे इंसाफ दिलाओ वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। 16 वर्षीय नाबालिग युवती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल किया है जिसमें साफ तौर पर वो कह रही है कि मुझे जबरन मेरे पिता ने लोन चुकाने के लिए मेरी शादी की है। मेरी उम्र 16 वर्ष हो रही है और मेरे पति की 52 वर्ष। मैं जहां एक तरफ शादी भी नहीं करना चाहती थी, वहीं दूसरी ओर इस तरह उम्र का फर्क और पड़तारना गाली गलौज मेरे से सहन नहीं होगा। अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। मेरा शादी हुआ है दुमका हरिपुर, जो कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति से हुआ है, 52 प्लस है, और मेरा एज अभी बस 16 ही हुआ है। वो भी शादी मेरा जोर जबरदस्ती से हुआ है। ब्लैकमेल मुझे किया गया है। ब्लैकमेल होने के बाद वहाँ पे मेरे ससुराल में मारपीट, गाली गलौज, धमकी, पिस्टल सब दिखा करके मेरे साथ मारपीट सब होता था। फिर वहाँ से भाग करके मैं अपने मायके आई, सबको बताई, लेकिन कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। तो मैं वहाँ से भी कैसे भी भाग करके इधर भागलपुर आई अपनी दीदी के पास, लेकिन वो भी बोली कि हम तेरा सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ पल के लिए मेरी दीदी ने मेरी मदद की थी, लेकिन वो भी अब इनकार कर दी है क्योंकि उनके ससुराल वाले उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो चीज़ में। तो मैं अभी अपने होश और हवास में बोल रही हूँ कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, और हो सके मेरे मौत के बाद मेरे ससुराल वाले और मेरे घर वाले को सजा दिया जाए। अपने सगे पिता ने ही पैसे की लालच में अपने नाबालिग बेटी की शादी करा दी। युवती अभी 16 वर्ष की है और पुरुष 52 वर्ष का। युवती झारखंड के गोड्डा के पथरगामा की रहने वाली है। उसकी शादी महज कुछ ही दिन हुए हैं। उसकी शादी जुलाई में जबरन कराई गई थी। लोन चुकता करने के लिए पिता ने अपनी 16 वर्षीय बेटी की शादी 50 वर्ष से अधिक उम्र के अधेड़ से कर दी। शादी के बाद पति उसे पिस्तौल का भय दिखाकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। किसी तरह घर वालों से छिपते हुए वहां से भागकर भागलपुर बड़ी बहन के पास पहुंची और मदद की गुहार लगाई। वहीं झारखंड के गोड्डा जिला की रहने वाली युवती अपनी बहन के यहां रह रही है। वो मंगलवार को अपने पति की शिकायत करने के लिए महिला थाना पहुंची, लेकिन महिला पुलिस उसकी मदद करने की जगह उसे वहां से भगा दी। फिर वो इसाक्षक थाने गई, लेकिन वहां भी उसकी फरियाद नहीं सुनी गई। अंत में वो DIG ऑफिस पहुंची, लेकिन वहां भी उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। अंत में उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए एक वीडियो सोशल मीडिया पे डाला। वो डर के साए में जी रही है। उसे हर समय इस बात का डर सता रहा है कि उसका पति कभी भी आकर उसे जबरन अपने साथ लेकर चला जाएगा। वो उसके साथ नहीं जाना चाहती, वो पढ़ना चाहती है। पीड़िता को कानूनी सुरक्षा देने के बजाय पुलिस मामले से पल्ला झाड़ने में लगी हुई है। दूसरे राज्य का मामला बताकर पीड़िता को महिला थाने से भगा दिया गया, जबकि यहां की पुलिस झारखंड की स्थानीय पुलिस से संपर्क कर 0 FIR दर्ज कर उसे कार्रवाई के लिए भेज सकती थी। वहीं जब इस मामले पर SSP आनंद कुमार से टेलीफोनिक संपर्क किया गया तो इस मामले में उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में है, लड़की अगर नाबालिग है तो उसके बयान पर यहां की पुलिस 0 FIR दर्ज कर झारखंड पुलिस को कार्रवाई के लिए भेजेगी। पीड़िता ने बताया कि मां का निधन पिछले वर्ष दिसंबर में हो गया। पिता एक महिला से संपर्क में आए, उससे नजदीकी बढ़ी और
उन्होंने उससे शादी कर ली। सौतेली माँ के दबाव में आकर पिता जुलाई में मुझे मंदार पर्वत घुमाने के लिए ले गए। इस दौरान जबरन मेरी शादी 50 वर्ष के ऊपर के अधेड़ से करा दी। शादी के बाद ससुराल में मुझे काफी पड़ताड़ना मिली। पति से शारीरिक संबंध बनाने के लिए मना करने पर मुझे पिस्तौल सटाकर जान से मारने की धमकी दी। ननद व सास भी मुझे पीटती है, गाली गलौज करती है। मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन पिता पर काफी लोन था। शादी के पूर्व पति ने पिताजी को लोन चुकता करने में मदद का भरोसा दिया था, जिसके चलते मेरी शादी जबरन कराई गई। मेरा जन्म 2007 का है और मैं इसी वर्ष 10वीं पास की हूँ और इंटर में एडमिशन भी कराया था, लेकिन वहाँ से ससुराल वालों ने नाम कटा दिया। पीड़ित युवती व उसकी सगी बहन मदद की गुहार के लिए दर दर भटक रही है। भागलपुर के महिला थाना पहुँचने के बाद महिला पुलिस ने भी मदद से इनकार कर दिया। पीड़ित युवती की बहन ने कहा कि जब अचानक परेशान होकर मेरी बहन मेरे पास 21 अगस्त को भागलपुर आई और सारी बात बताई तो मैंने सोचा इसकी सहायता मैं भागलपुर पुलिस से लूं, लेकिन हम लोग महिला थाना गए, उसके बाद इसाकचक थाना गए, उसके बाद DIG ऑफिस गए, कहीं भी हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई। हम लोग काफी परेशान और डरे सहमे हुए हैं। मेरी बहन को अगर कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरी बहन की शादी जुलाई 2023 में हुई है और इसका जन्म 2007 का है। वह अभी 16 वर्ष की है और इसका पति 50 वर्ष के ऊपर का है। यह कहीं से सही नहीं है। मेरी बहन को इंसाफ चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि अगर पीड़ित पुलिस से मदद की गुहार नहीं लगाएगी तो वो कहां जाएगी, और अगर पुलिस भी मदद करने से इनकार कर दे तो फिर ऐसे लोगों का क्या होगा? यह सीधा सवाल सरकार पर निशाना साध